विस्तार से 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू हो जाएगा। 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून। नए प्रावधान को लेकर प्रदेश पुलिस की तैयारी जोरों पर है। विवेचना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और डीजीपी सुधीर सक्सेना ने तैयारियों की समीक्षा की है। सभी जिलों के एसपी और एसडीओपी इसमें शामिल भी हुए हैं ताकि नए कानून को बेहतर तरीके से वो समझें। और 3 जो नए क्रिमिनल लॉज हैं जिसमें कि कुछ बदलाव किए गए हैं, और पहले जिन अंकों से धाराओं को जाना जाता था अब एक अलग अंकों से उन धाराओं को जाना जाएगा। पहले हत्या की सजा से संबंधित धारा 302 के नाम से जानी जाती थी, जो अब बदल गई है और 101 के नाम से जानी जाएगी, और इसी तरह 420 भी बदल चुके हैं और 144 भी। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, 3 क्रिमिनल कानून जो कि 1 जुलाई से लागू होंगे उनको देखते हुए पुलिस ऑफिसर्स से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, क्या जानकारी आपके पास, कैसे ट्रेन किया जाएगा और किस तरीके से इसे समझाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए 1 जुलाई से आपराधिक कानूनों में बदलाव हो रहा है। 3 जो कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और साक्ष्य संहिता, इन 3 महत्वपूर्ण कानूनों में जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा और कई जो धाराओं के नाम हैं वो भी बदले जाएंगे। जैसे जो 420 की धारा थी यानी कि धोखाधड़ी का मामला, वो 318 से जाना जाएगा। हत्या के मामले में जो धारा लगती थी वो भी अब बदल जाएगी, और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं वो किए गए हैं, और वो इसलिए किए गए हैं ताकि इन कानूनों को और फ्लेक्सिबल बनाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके और न्यायपूर्ण जो है वो इन्हें बनाया जा सके। और देखिए, जब भी कोई मामला थाने में पहुंचता है तो सबसे पहला काम जो होता है पुलिस का वो होता है एफआईआर दर्ज करने का, और एफआईआर जब दर्ज होती है तो तमाम धाराओं का उसमें जिक्र किया जाता है। इसलिए ये बात बेहद जरूरी हो जाती है कि नए प्रावधानों को जो पुलिसकर्मी है वो बेहतर रूप से समझ सके। इसलिए एक विशेष प्रशिक्षण जो है वो कल पीएचक्यू में आयोजित किया गया, जिसमें खुद डीसीपी जो डीजीपी हैं सुधीर सक्सेना वो शामिल हुए, पूरे मध्यप्रदेश के जो एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, इन सभी अधिकारियों को, कमिश्नर्स को संबोधित डीजीपी ने किया, और अंतिम पंक्ति तक यानी कि जो कांस्टेबल लेवल के अधिकारी हैं, हर थाने में जो सिपाही मौजूद रहते हैं, तैनात रहते हैं, उन तक भी नए प्रावधानों की जानकारी पहुँच सके, कैसा मॉड्यूल जो है वो तैयार किया गया है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं डीजीपी की ओर से कि नए कानूनों के लागू होने के पहले यानी कि 1 जुलाई के पहले आप इन तमाम जो बदलाव होने जा रहे हैं उनको समझ लें, ताकि आने वाले समय में जब ऐसे मामले थानों में पहुंचे तो उनको बेहतर रूप से डील किया जा सके, बेहतर रूप से उनके तहत जो कार्रवाई करने का काम है वो किया जा सके। जो प्रशिक्षण है वो थाने लेवल पर भी अब आने वाले दिनों में लगातार जारी रहेंगे, ताकि जो हर एक पुलिसकर्मी है वो इन पूरे कानूनों को, प्रावधानों को बेहतर रूप से समझ सके। और ये तमाम जो बदलाव हैं वो अलग अलग प्रचार साधन के जो माध्यम है उनके जरिए पब्लिक मॉड्यूल पर भी डाले जा रहे हैं, क्योंकि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो भी इन बदलावों को समझ सकें। तो बड़े स्तर पर बदलावों की तैयारी है। 1 जुलाई यानी कि आने वाले महीने से ये जो नए प्रावधान वाले कानून है वो पूरे प्रदेश भर में लागू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और 1 जुलाई से जो नए आपराधिक कानून है वो लागू हो जाएंगे। ना केवल प्रशासनिक अधिकारियों को बल्कि आम जनता को भी समझने की जरूरत है कि जो बदलाव हो रहे हैं उनमें किन चीजों को शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। अयोध्या की बात करेंगे, जहां रामलला के मंदिर में पानी टपकने के